जय भीम, जय भारत सभी देशवासियों को। देखिए, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 2 अप्रैल का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। उस दिन भारत बंद किया गया था और उस आंदोलन के दौरान हमारे जो भी बच्चे, हमारे जो भी क्रांतिकारी साथी शहीद हुए थे, उनके सम्मान में बहुजन यूथ फॉर्मेशन 2019 के तहत एक बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी योद्धा, हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी शहीद हुए थे, उन सभी की प्रतिमा का अनावरण और उनका माल्यार्पण किया जाएगा। और जहाँ जहाँ से भी देश भर में से साथी शहीद हुए थे, वहीं पर उनके गांव में, उनकी जगह पर उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। जो 13 लोग मारे गए थे 2 अप्रैल को, उनकी यादगार में उनके शहीद हुए थे उनको याद किया जाएगा और उनके पोस्टर भी वितरित किए जाएंगे ताकि उनकी शहादत को हम याद कर सकें। बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि जो शहीद हो गए एक बिरादरी के नाम पर, जात के नाम पर, अपने समाज के नाम पर, उनको हमेशा हमेशा याद किया जाए, वो काम जो है करना है। मिले, मैं मनदीप टोपरा यमुनानगर से, और मेरे साथ शिवानी जी, बलदेव जी और गुरमीत जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप सब साथियों से, मैं हरियाणा की वासियों की तरफ से निवेदन करता हूँ कि आप सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रविवार को 13 जनवरी को यहाँ पर पहुँचे और रामलीला मैदान में पहुँचे और अपने शहीदों को शहादत सलाम करें। जय भीम। ऐसे तो बड़े मतलब दुख का विषय था, वो शहीद हुए, बाकी वो मरे नहीं, वो देशभक्त निकले, जाति भक्त निकले। 2019 को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसमें हमारे जो बच्चे शहीद हुए थे उन्होंने संगठन का बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था, और हम सभी से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, और उनके पड़ोस में जितने भी हैं हमारे सम्मान के साथ उनको उनकी सही जगह पर स्थापित करें। धन्यवाद। मैं सुभाष चंद्र मुखी, एडवोकेट गाजियाबाद से, और मेरा ये 13 तारीख में रामलीला मैदान दिल्ली में जो प्रोग्राम है, और ये उसके जो 2 अप्रैल में शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष में रखा गया है, उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए। और ये प्रतिमा स्थापित इसलिए की जा रही है कि जिससे कि किसी के जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को लगे कि हाँ, हमारा भी कुछ जो है गौरव है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, इसलिए इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और हम उसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेंगे। सही। हाँ, जो 13 जनवरी को वहाँ रामलीला मैदान में हमारे बच्चे जो शहीद हुए थे एससी एसटी के, उनके इतिहास में नाम आना चाहिए। उनके माता पिताओं को मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ऐसे शेर समाज के लिए दिए, और जो है उन्होंने समाज हित में काम किया। वो हम हमेशा उनकी कुर्बानी को ध्यान रखेंगे, हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उनके जो है बलिदान का जो है लो भुजने नहीं देंगी। देश की सरकार हिल गई, और उस दिन जो हमारे बच्चे, 13 बच्चे करीब हमारे देश के कोने कोने में शहीद हुए थे, और जिस दिन तक वो बच्चे जिंदा थे वो अपने माता पिता के थे, लेकिन आज जब वो सामाजिक आंदोलन के लिए शहीद हुए तो आज समाज के बच्चे हो गए हैं वो। दो अप्रैल को जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी रामलीला मैदान में 13 जनवरी को दिल्ली के अंदर ज़रूर पहुँचें, और साथ में महिलाओं को भी लेकर के आएँ ताकि उन्हें भी हमारी वीरता का एहसास हो। और मैं यमुनानगर से शिवानी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचकर अपने शहीदों को सलाम करें और एक जज्बा कायम करें। जय भीम, जय भारत।